गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। वंस अगेन वेलकम बैक टू एपीएस ऑनलाइन साइंस क्लासेस। आपको हमने पिछली कक्षा में परागण की जो शेष विधियां थी उन पर हमने आपसे चर्चा की थी, खासतौर से जल परागण पर हमने आपसे चर्चा की थी। दूसरा बिंदु जो हमारा था वो था असंगतता। असंगतता क्या है? असंगतता के बारे में हमने आपको बताया था कि वे पादप, ठीक है, वे जननक्षम एवं कार्यक्षम पादप जिनके नर व मादा युग्मक नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन नहीं होता है, अर्थात वे पादप जो जननक्षम भी होते हैं और कार्यक्षम भी होते हैं, जननक्षम और कार्यक्षम होने के पश्चात भी उनके नर और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया विफल हो जाती है, उसे हमने आपको क्या बताया था? असंगतता कहते हैं। असंगतता होने के कारण मैंने आपको बताया था असंगतता किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। असंगतता होने का पहला कारण मैंने बताया कि पराग कणों का अंकुरण नहीं होता है। पराग कणों का अगर अंकुरण हो भी जाए तो पराग नलिका का पराग नलिका में वृद्धि नहीं होती है। पराग नलिका में अगर वृद्धि हो जाती है तब भी आपको मैंने बताया कि पराग नलिका में वृद्धि हो जाती है तो पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका में जाकर के फट जाती है, या फिर अगर पराग नलिका जो होती है वो अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती है, पराग नलिका जो होती है वो बीजांड द्वार में प्रवेश नहीं कर पाती है, पराग नलिका जो होती है वो भ्रूण कोष में नहीं फर यानी कि भ्रूण कोष में प्रवेश नहीं कर पाती, और वहां पर केंद्रकों का क्या नहीं हो पाता है, संलयन की क्रिया नहीं हो पाती है। ये सारी बातें हमने आपको असंगतता के बारे में बात की। देखिए, पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप पादपों के अंदर क्या पाई जाती है? असंगतता पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि असंगतता किसके कारण पाई जाती है, तो पराग और स्त्री केसर दोनों की आपस में क्या होती है? पारस्परिक क्रियाएं होती है जिसके कारण पादपों में क्या पाई जाती है? असंगतता पाई जाती है। असंगतता जो उत्पन्न होती है या असंगतता किन कारणों से उत्पन्न होती है, तो असंगतता जो होती है वो कार्य की यानी कि फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पेटेबिलिटी जो होती है वो कार्य की के कारण उत्पन्न हो सकती है या आकार की के कारण क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। असंगतता किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? असंगतता किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? या तो पौधे की कार्य की के कारण, किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? कार्य की, कार्य की बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी के कारण। असंगतता पादपों में जो असंगतता उत्पन्न होती है वो या तो कार्य की के कारण उत्पन्न होती है या फिर असंगतता किसके कारण उत्पन्न होती है? आकारिकी के कारण उत्पन्न होती है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, मॉर्फोलॉजी। तो पादपों में असंगतता जो उत्पन्न होती है वो कार्य की और आकार की के कारण उत्पन्न होती है। असंगतता में क्या होता है? असंगतता में जो एक जीन होते हैं, असंगतता में एक जीन होते हैं उसके बहुविकल्पी युग्म। असंगतता को मैं आपको बता दूं, एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। असंगतता को एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इनकॉम्पेटेबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए जीन ऑफ मल्टीपल अल्टरनेट्स, ठीक है। यानी कि असंगतता जो होती है वो एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा नियंत्रित होती है। मैंने आपको यहां पर दो तीन बातें की हैं। पहले बात की थी कि असंगतता किन किसके कारण पाई जाती है,
तो असंगतता पादपों में जो पाई जाती है वो पराग स्त्री केसर के फलस्वरूप पादपों में पाई जाती है। दूसरा मैंने बताया कि पादपों में असंगतता किसके कारण उत्पन्न होती है, तो पादपों में असंगतता जो होती है वो कार्य की और आकार की के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। कार्य की के कारण और आकार की के कारण उत्पन्न होती है। और इस असंगतता को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको बताया कि एक जीन की जो बहु युग्म विकल्पियां होते हैं उनके द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं स्व अनिषेचिता, ठीक है। और स्व अनिषेचिता भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, स्व अनिश्चितता के प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या स्व अनिश्चितता पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए वैसे आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो फोकस रहेगा निषेचन के ऊपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आवर्तविजी पादपों में निषेचन कैसे होता है, हाउ टू फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म प्लांट। पर उससे पहले हम दो छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, दो छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। तो हमने आपसे बात की थी कि स्व अनिषेचिता के प्रकार पे हम बात कर रहे थे, स्व अनिषेचिता के प्रकारों पर हम बात कर रहे थे, स्व अनिषेचिता के प्रकार, ठीक है। स्व अनिषेचिता को मैंने बोला था कि अंतर जातीय अनिषेचिता भी बोलते हैं, अंतर जातीय अनिषेचिता भी कहते हैं। स्व अनिषेचिता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचिता, और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचिता। गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटेबिलिटी GIRITY बीजाणुद्भिद स्वनिषेचिता को कहा जाता है स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचिता, ठीक है। आपको बता दूं स्वनिषेचिता का जो नियंत्रण और निर्धारण किया जाता है, स्वनिषेचिता का नियंत्रण और निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नर युग्मकोद्भिद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाए, स्व अनिषेचिता का जो नियंत्रण और निर्धारण किया जाता है, स्व अनिषेचिता का नियंत्रण और निर्धारण, कंट्रोलिंग एंड डिटर्मिनेशन, नियंत्रण और जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्व अनिषेचिता का नियंत्रण और निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नर युग्मकोद्भिद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नर युग्मकोद्भिद के द्वारा किया जाता है। नर युग्मकोद्भिद ने बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं पराग कण के जीन प्रारूप के द्वारा किया जाता है, जी पराग कण के जीन प्रारूप के द्वारा किया जाता है। देखो परिभाषा निकल के आ गई कि युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचिता क्या है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे ले सकते हैं कि जब स्व अनिषेचिता का नियंत्रण और निर्धारण नर युग्मकोद्भिद या
पराकण के जीन प्रारूप के द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है, युग्मकोद विश्व अनिश्चितक। एक बार फिर दोबारा परिभाषा सुन लीजिए, जब स्व अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण नर युग्मकोद्भिद के द्वारा या फिर पराकण के जीन प्रारूप के द्वारा हो तो उसे युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहा जाता है। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता अगर आपके समझ में आ गया तो हम इसको बहुत इजी गोइंग में समझा सकते हैं, बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। नाम से आपको साफ लग रहा है, यानी कि यहाँ पर स्व अनिश्चितता का जो नियंत्रण और निर्धारण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, बीजाणुभिद के द्वारा होता है। अर्थात जब स्व अनिश्चितता का नियंत्रण व निर्धारण किसके द्वारा हो, बीजाणुभिद के द्वारा हो। स्व अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण किसके द्वारा हो, नियंत्रण भी और निर्धारण दोनों किसके द्वारा हो, बीजाणुभिद के द्वारा हो, तो उसे बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। हमने यहाँ पे स्व अनिश्चितता के दो प्रकारों पर आपसे चर्चा की। स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं, जब स्व अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण नरयुग्मकोद्भिद के द्वारा हो या फिर पराकण के जीन प्रारूप के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। और जब स्व अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण किसके जरिए हो, बीजाणुभिद के द्वारा हो, तो उसे बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। कई बार आपसे जनरली ये सवाल पूछ लिया जाता है कि स्व अनिश्चितता कितने प्रकार की होती है, तो स्व अनिश्चितता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। देखिए हमारा जो आज का मेन टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो देखिए उसका नाम है निषेचन। देखिए आवर्तविधि पादपों में निषेचन कैसे होता है, पहले हम बात करेंगे निषेचन के बारे में। देखिए निषेचन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, देखिए निषेचन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। निषेचन का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो 1884 के अंदर, निषेचन का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया था वो 1884 के अंदर 1884 में, फर्टिलाइजेशन का जो सबसे पहले अध्ययन किया गया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रास बर्जर के नाम से उसे जानते हैं। कई बुकों में आपको स्ट्रास बर्गर भी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रास बर्जर या स्ट्रास बर्गर नाम के वैज्ञानिक ने 1884 के अंदर 1884 में स्ट्रास बर्गर नाम के वैज्ञानिक ने निषेचन का अध्ययन किया था। और इस वैज्ञानिक ने निषेचन का जो अध्ययन किया था वो सर्वप्रथम एक पादप पर किया था और जिस पादप का नाम था लिलियम। इन्होंने लिलियम नामक पादप पर निषेचन का क्या किया था, अध्ययन किया था। लिलियम प्लांट पर इनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, निषेचन का अध्ययन किया गया। हम सारे सीधे शब्दों में कहें तो 1884 में स्ट्रास बर्गर नामक वैज्ञानिक ने लिलियम पौधे पर निषेचन का अध्ययन किया था, ठीक है। देखिए निषेचन क्या है इस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए नर व मादा युग्मक, नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को देखिए, मैं आपको यहां पे एक थोड़ा सा डायग्राम देख बना करके मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये एक द्विलिंगी पादप है, ठीक है, उसका पुष्प है जिसके अंदर ये क्या है, आवश्यक अंग है, नर जननांग है, मादा जननांग है। यहाँ पे पराग कोष से परागकण क्या हुए, मुक्त हुए, और परागकण कहाँ पे पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए।
पराग कणों का अंकुरण हुआ, पराग नलिका यहां से निकली। पराग नलिका जो होती है वो बीजांड के अंदर क्या करती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। यहां से अंड कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका होती है, आपको हमने पढ़ाया। तो इस पराग नलिका के अंदर दो अचर नर युग्मक होता है, इनमें से एक नर युग्मक जो होगा ये नर युग्मक कहलाएगा और ये अंड कोशिका है, ये कौन सा युग्मक कहलाएगा, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित हो जाए, दोनों का आपस में संयोजन हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहते हैं। अर्थात आवर्त बीजी पादपों में नर व मादा युग्मकों के संलयन या संयोजन की क्रिया को आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक कौन हो गया, ये हो गया पराग नलिका के नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का संयोजन या संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। तो नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन पर हम बात कर रहे हैं यहां पे। अब निषेचन की जो क्रिया होती है वो विभिन्न चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। निषेचन की क्रिया के चरणों पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरण, निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरण। देखिए आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया के मुख्य कौन कौन से चरण हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमिनेंट स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरण। निषेचन की क्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं उन पर बात करते हैं। देखिए निषेचन के क्रिया के निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण। पहला चरण हो गया पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, पराग कणों का अंकुरण। तो सबसे पहले निषेचन की क्रिया में क्या होगा, आवर्त बीजी पादपों में जब निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया में सबसे पहले काम कौन सा होगा, कि पराग कणों का क्या होगा, अंकुरण होगा। दूसरा बिंदु क्या है कि पराग कणों का जब अंकुरण होगा तो पराग नलिका का निर्माण होगा। ठीक है, और पराग नलिका का जब निर्माण होगा तो पराग नलिका में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा बिंदु हो गया पराग नलिका में वृद्धि, पराग नली में वृद्धि, ग्रोथ इन पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तीसरा है पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन माइक्रोपाइल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन माइक्रोपाइल इज इट क्लियर। देखिए फोर्थ बिंदु पर हम बात करते हैं कि पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश। ठीक है, पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेल। तो आप देखिए आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया के जीजीई भी बोल सकते हैं इसको, जीजीई या जी स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों का अंकुरण, पराग नलिका में वृद्धि, पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश और पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश।
ये निषेचन की क्रिया के क्या है, प्रमुख क्या है भैया, चरण है, जिसमें फर्स्ट स्टेप का या फर्स्ट चरण का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो चरण है पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए पराग कणों का अंकुरण ये पहला बिंदु है निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरणों का, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कणों का अंकुरण। देखिए आवर्त जो बीजी पादप होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है, आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है। आपको पता है आवर्त बीजी पादपों में या पादपों में जो परागण की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, अधिकांश के पादपों में स्वपरागण भी होता है, कुछ पादपों में क्या होता है पर परागण होता है, यानी कि परागण की क्रिया सेल पॉलिनेशन भी हो सकती है, वो पौधे के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा पौधा किस प्रकार का द्विलिंगी पुष्प वाला है या एक लिंगी। तो आवर्त बीजी पादपों में क्या होती है परागण की क्रिया होती है, और परागण की क्रिया में क्या होता है कि पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं, पराग कण जो होते हैं वो कहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं स्थानांतरित हो, अर्थात पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर, पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया द्वारा क्या हो जाते हैं पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे एक डायग्राम दिखा बना के दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से आप देखिए एक पुष्प को मैंने यहां पे दिखाया, पुष्प के आवश्यक अंगों को दिखाया, ये पराग कोष से, पराग कोष से क्या है ये पराग कण निकले, ठीक है पराग कोष का स्फुटन हुआ पराग कण निकले और पराग कण कहां पर पहुंच गए वर्तिकाग्र पर क्या है पहुंच गए। तो हमने ये तो बोला है कि पराग कण वर्तिकाग्र पर, पराग कण वर्तिकाग्र पर परागण परागण की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं। अब वो परागण यहाँ पे जो होगा वो स्वयं परागण होगा, अगर ये दोनों जननांग अलग अलग होंगे तो वहां पर क्या है किसी माध्यम के द्वारा वहां पर परागण की क्रिया हो जाएगी। तत्पश्चात वर्तिकाग्र पर जब पराग कण आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर क्या आ जाते हैं जब पराग कण आ जाते हैं तो इन पराग कणों के अंकुरण की क्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। देखिए वर्तिकाग्र पर जब पराग कण आ गए तो यहां पर पराग कणों के अंकुरण की क्रिया क्या हो जाती है प्रारंभ हो जाती है। जब पराग कण वर्तिकाग्र पर आ जाता है, ये वर्तिकाग्र है तो इस वर्तिकाग्र पर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या होता है श्रावण होता है, वर्तिकाग्र पर विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र पर विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं या स्रावित होते हैं, यहाँ पे देखिए वसा पाई जाती है, वर्ष यानी कि वर्तिकाग्र पर वसा पाई जाती है, रेजिन पाया जाता है, शर्करा पाई जाती है, ठीक है, और ये आपके आरबीएसई की बुक के अनुसार है कि वर्तिकाग्र पर वसा रेजिन शर्करा पाई जाती है, एनसीईआरटी की बुक को भी अगर मैं शामिल करूं तो जल भी क्या है यहां पर क्या है पाया जाता है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र पर वसा रेजिन शर्करा और जल का स्राव होता है या वसा रेजिन शर्करा और जल आदि क्या होते हैं इस वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो पराग कण के अंकुरण के लिए, पराग कण के लिए, पराग कण के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करने का क्या करते हैं कार्य करते हैं, यानी कि वसा रेजिन शर्करा और जल ये सभी पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, ये सभी पदार्थ कहां पे पाए जाते हैं वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं,
और वर्ती काग्र पर क्या है, परागकण आ चुका है परागण की क्रिया के द्वारा। और ये परागकण क्या होगा कि इनके परागकणों के अंकुरण के लिए ये सभी पोषक पदार्थ उनके लिए क्या होता है, उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं, अर्थात उन परागकणों के अंकुरण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर बात। देखिए अब यहां पे एक बात कर रहा हूं मैं, अंकुरण काल। कई बार एक परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है कि अंकुरण काल क्या है, अंकुरण काल क्या है, जर्मिनेशन पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन पीरियड या जर्मिनेशन ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ जर्मिनेशन। देखिए अंकुरण काल क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परागकण कहां पे पहुंच गए, वर्ती काग्र पर, परागकण द वर्ती काग्र पर पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के पश्चात इन परागकणों के अंकुरण में जो समय लगता है उस समय को ही क्या कहा जाता है, अंकुरण काल कहते हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, परागकण वर्ती काग्र पर पहुंच गए, परागकण द वर्ती काग्र पर पहुंच गए, तो पहुंचने के पश्चात इस परागकण के अंकुरण में जितना समय लगेगा उस लगे हुए समय को ही क्या कहा जाएगा, अंकुरण काल कहा जाता है। तो परिभाषा बिल्कुल सही परिभाषा क्या निकल के है कि परागकणों के वर्ती काग्र पर पहुंचने के पश्चात परागकण के अंकुरण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, अंकुरण काल कहा जाता है, जर्मिनेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है। Approach of pollen grains on stigma. Approach of pollen grain on stigma. That time, the period of the duration of time which is taken by the pollen grain to germinate, that is known as germination period. अर्थात परागकणों के वर्ती काग्र पर पहुंचने के पश्चात परागकणों के अंकुरण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंकुरण काल कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपके बात सुनना आ गई होगी। अब जब परागकण का अंकुरण होता है, ध्यान से सुनना मैं यहां पे, अंकुरण जब होता है तो हमने इसी परागकण या लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में, यानी कि इसके विकास के बारे में, इसके परिवर्धन के बारे में आपको पहले ही हम सेकंड चैप्टर में बता चुके हैं कि ये परागकण होता है, ये परागकण के बाहर की संरचना होती है। आपको हमने बताया कि ये परागकण होता है इस तरीके से, परागकण की जो संरचना होती है जो उसकी दो बाह्य सतह होती हैं या दो सतह होती हैं, इसको बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, इसको अंतर चोल बोलते हैं। ठीक है। तो अंकुरण के समय जो परागकण होते हैं, अंकुरण के समय ये जो परागकण होगा इसमें क्या पाए जाते हैं, मैंने बताया जनन छिद्र पाए जाते हैं, जर्मिनल अपर्चर पाए जाते हैं या जर्मिनल पोर पाए जाते हैं, जी जनन छिद्र पाए जाते हैं। मैंने बताया द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या दो होती है, एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या एक होती है। तो यहां पे आपने देखा कि ये क्या है भैया, जनन छिद्र होते हैं। ठीक है। तो अंकुरण के समय इन्हीं जनन छिद्रों से ये अंतःचोल है। ठीक है। ये अंतःचोल बाहर निकलने लगता है, क्या है, अंतःचोल जो होता है वो पराग नलिका के रूप में निकल करके, ध्यान से सुनना है, ये अंतःचोल जो होता है वो जनन छिद्रों में से बाहर निकलता है। ठीक है। और बाहर निकल करके वर्तिकाग्र में क्या है, वर्तिकाग्र पर प्रवेश करता है। किस पर प्रवेश करता है, वर्तिकाग्र पर प्रवेश करता है। अर्थात हमारा यहां पर कहने का अर्थ क्या है कि जब परागकणों का अंकुरण जब होता है तो अंकुरण के समय परागकणों के अंदर जो जनन छिद्र होता है इन्हीं जनन छिद्रों से अंतःचोल पराग नलिका के रूप में, ये अंतःचोल जो होता है वो इन्हीं जनन छिद्रों में से पराग नलिका के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है। और बाहर निकल करके वर्तिकाग्र पर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर प्रवेश कर जाता है, बात समझ आ गई। देखिए हम बात कर रहे हैं पराग नलिका उत्पन्न होने के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा,
परागलिका उत्पन्न होने के आधार पर पराग कणों के प्रकार। ठीक है, देखिए पराग नलिका उत्पन्न होने के आधार पर, तो पराग नलिका उत्पन्न किस आधार पर होती है उस पर हम बात कर रहे हैं। पराग नलिका के उत्पन्न होने के आधार पर पराग कणों के प्रकार पे हम बात कर रहे हैं। देखिए पराग नली के उत्पन्न होने का पराग नली के उत्पन्न होने के आधार पर पराग नली के उत्पन्न होने के आधार पर ठीक है पराग नली के उत्पन्न होने के आधार पर पराग कणों के प्रकार। देखिए पराग कण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नली की है, एक नली की है पराग कण, और दूसरा होता है बहुनली की है पराग कण, बहुनली की है पराग कण। इंग्लिश में अगर हम बोले तो एक नली है पराग कण को बोलते हैं मोनो साइफोनो साइफोनोगैमस, और इसको बोला जाता है पॉली साइफोनोगैमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक नलिकीय और दूसरा कौन सा होता है बहुनलिकीय। अब मैं आपको एक बात कर रहा हूं, ज्यादातर जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें एक पराग कण होगा। ठीक है, एक पराग कण है और इस एक पराग कण से एक ही परिघ नलिका निकलती है। एक पराग कण से एक ही पराग नलिका का क्या होता है निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं एक नलिकीय। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राय एक पराग कण से एक ही पराग नलिका का क्या होता है निर्माण। जी ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों की कहानी है। ठीक है, परंतु ध्यान से सुनना, मैं आपसे बात कर रहा हूं कुकरबिटेसी कुल के पादप होते हैं या मालवेसी कुल के पादप होते हैं। कुकरबिटेसी, देखिए एक नलिकीय आपकी समझ में आ गया सर, देखिए कि ऐसे पादप जिनमें एक पराग कण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है उसे एक नलिकीय परागण कहते हैं, एक नलिकीय परागण कहते हैं। और मैंने बोला ज्यादातर पादपों में एक नलिकीय परागण का ही निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बहुनलिकीय परागण क्या है। कुकरबिटेसी कुल के पादप होते हैं, कुकरबिटेसी कुल के पादप या फिर मालवेसी कुल के पादप होते हैं, कुकरबिटेसी या मालवेसी कुल के पादप होते हैं। कपास वृद्धि आपने सुना होगा। ठीक है, कुकरबिटेसी या मालवेसी जो कुल के पादप होते हैं इनके पादपों में एक पराग कण होता है, ये एक पराग कण है, और इस एक पराग कण से अनेक पराग नलिकाओं का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा इस पराग कण में कितनी पराग नलिकाओं का निर्माण हो गया है, देखिए 6 पराग नलिकाओं का निर्माण। तो ऐसे पादप जिनके पराग कण में एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण हो उसे क्या कहा जाता है बहुनलिकीय परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बहुनलिकीय परागण कहते हैं। बात समझ आ गई कि बहुनलिकीय परागण ज्यादातर कुकरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों के अंदर क्या है पाई जाती है। ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना, इन पादपों में आपने देखा कि एक पराग कण से, ये एक पराग कण है और इस एक पराग कण से बहुत सारी पराग नलिकाओं का या एक से अधिक पराग नलिकाओं का क्या हो जाता है निर्माण हो गया। निर्माण होने के पश्चात जब अंतिम रूप से इनमें एक ही पराग नलिका शेष बचती है बाकी अन्य पराग नलिकाएं क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है, या हम कह सकते हैं
कि इन्हीं कुकर बिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों में हम मान रहे हैं कि एक परागकण से अनेक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है, परंतु उनमें अंतिम रूप से केवल एक परागकण में केवल एक ही पराग नलिका क्या रहती है, क्रियाशील रहती है। एक ही पराग नलिका क्या रहती है, क्रियाशील रहती है। क्लियर बात समझ आ गई? और एक बात और ध्यान से सुनना, पराग नलिका की जो लंबाई होती है, पराग नलिका की ये जो लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। पराग नलिका की लंबाई जो होती है, ये पराग नलिका की लंबाई है, ये किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। यदि पराग नलिका की लंबाई अधिक होगी तो वर्तिका की लंबाई भी अधिक होगी, और यदि पराग नलिका की लंबाई कम होगी तो वर्तिका की लंबाई भी कैसी होगी, कम होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अंतर संबंध होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात पराग नलिका की लंबाई अधिक होगी तो वर्तिका की लंबाई अधिक होगी, और पराग नलिका की लंबाई कम होगी तो वर्तिका की लंबाई भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको हम बता दें, मक्का का जो पौधा होता है उसमें पराग नलिका की जो लंबाई होती है, उस पराग नलिका की लंबाई कितनी होती है, 450 mm होती है। मक्का के पौधे की पराग नलिका की लंबाई 450 mm होती है। बात समझ आ गई? पराग कणों का अंकुरण कहां पे होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, और वर्तिकाग्र पर वसा, रेशिन, शर्करा और जल का श्रावण होता है, जिनको क्या है, ये पराग कण अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के पश्चात इन पराग कणों के अंदर अंकुरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पराग कण के अंदर जो जनन छिद्र होते हैं उन जनन छिद्रों में से होकर के अंत्यचोल जो होता है वो बाहर निकलता है। अंत्यचोल जो होता है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकल करके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है या वर्तिकाग्र पर आ जाता है, और इस तरीके से पराग कण में क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। देखिए पराग कणों के अंकुरण की क्रिया आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हम आपसे बात करेंगे कि पराग नलिका में वृद्धि किस प्रकार से होती है।